गोरखपुर के खोराबार पुलिस ने वाहन चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सरगना अमित निषाद समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 बाइक बरामद किया है। खोराबार पुलिस ने रामपुर तिराहे के पास शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए CO कैंट SP रोहन बोत्रे ने बताया कि खोराबार थानेदार और राम गढ़चौकी इंचार्ज वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से शातिर वाहन चोरों के आने की सूचना मिली थी। इस दौरान दो अलग अलग बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाइक सवार दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की कुल 6 बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार में आए दोनों बदमाश अमित निषाद और मनीष निषाद गोरखपुर शहर के ही रहने वाले हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP CO कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, दो पहिया हैं। सारे बाइक्स हैं और रामगढ़ ताल से भी तो न्यू कैलाश। करीबन 6 गाड़ियों की रिकवरी हुई है जो चोरी गई थी, और इस पे इन पे दो मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत भी थे, 545/19 और 424/19। 4 गाड़ियाँ जो शेष हैं उनको ऊपर कल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 548/19, और दो अपराधी इसमें पकड़े गए हैं। नाम उनका है अमित निषाद और मनीष पुत्र मनोज निषाद। तो SHO और सूरज जो कि चौकी इंचार्ज रामगढ़ ताल, इनके बहुत ही बढ़िया सरियाने के इन्होंने काम किया है। इनको रिकवरी में काफ़ी घटनाएं बाइक चोरी की और कार चोरी की लगातार हो रही है, उसमें एक अच्छी एक खुलासा किया है। संभवतः गाड़ी बेचते थे, पर ये गाड़ी मुझे लगता है जो 6 गाड़ियाँ इन्होंने उठाई है अभी तक इनकी बिक्री कहीं हुई नहीं है, क्योंकि ग्राहक कुछ कस्टमर मिला नहीं था, तो संभवतः ये बेचते हैं इस गाड़ी को। बाकी विवेचना भी चल रही है इसकी। अच्छा, तो कोई अपराधिक इतिहास है? अभी तो 6 मिली है, दो लिंक है। मीटिंग के बाद आ जाना।